ਦਿਵਿਓ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ ਕਰਿਆ ਰੈਡੀ ਜੀ पिछले 17 सालों से ये इंटरनेशनल मिशन दोस्ती दंगल चल रहा है और इसमें बाहर देशों के पहलवान आते हैं और इस साल भी 3 देशों का इसमें मुकाबला होगा, ईरान, जॉर्जिया और भारतवर्ष के इंडिया के जहां पहलवान भिड़ेंगे। और जो बड़ी कुश्ती है वो ईरान का हाडी पहलवान है जो 2019 में जहां जीत के गया था, उसकी कुश्ती जो हमारा अर्जुन वाडी और 12 टाइम्स नेशनल चैंपियन इंटरनेशनल रेसलर सत्यव्रत है जो हरियाणा का है उनके बीच रहेगी। 2.5 लाख का इनाम रहेगा, जो पहलवान जीतेगा उसको 1.5 लाख रुपया गुर्ज और पटा दिया जाएगा और जो पहलवान हारेगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह दोनों इंटरनेशनल लड़कियां, एक लड़की दिव्या ककरान जिसने अभी इसी साल कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल लिया और दूसरी लड़की जो वर्ल्ड रेसलिंग में जिसने पिछले साल नॉर्वे में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उनकी भी जहां कुश्ती होगी और उसका इनाम 70,000 रुपया रहेगा, जीतने वाली लड़की को 40,000 रुपया और हारने वाली लड़की को 30,000 रुपया मिलेगा। टोटल 21 बाउट्स होंगे, 20 बाउट्स लड़कों के होंगे और 1 बाउट लड़कियों का होगा। दंगल पूरे 1 बजे शुरू हो जाएगा और 6:15 बजे दंगल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दंगल का आयोजन किया जाता है श्री माता वैष्णो देवी जी स्पोर्ट्स स्टेडियम कटरा में, तो इस बार क्या विशेषताएं रहेंगी उसके बारे में संक्षेप में बताएं, कौन कौन से विदेशों से जो हो पहलवान इस दंगल में जो हो आयोजन के हिस्सा लेंगे। जय माता दी। इस बार का नवरात्र फेस्टिवल के तहत दंगल की प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है और उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश से और इवन ईरान से भी खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कोरोना से पहले इस प्रतियोगिता ने बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया था, तो हमारी कोशिश है कि उन ऊंचाइयों को भी और कोई प्रतियोगिता दोबारा से हासिल करे और यहाँ से और आगे जाए, ताकि जब जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी भी नेशनल स्टेज पे जाएं और उनको एक रिकग्निशन मिले, वो इंटरनेशनल स्टेज पे भी देश के लिए मेडल लेकर के आएँ और कटरा का भी नाम रोशन करें। श्राइन बोर्ड अपनी तरफ से इस इवेंट में पूरा सहयोग देगा, जो दंगल कमेटी है और उनके लिए जो भी सहायता हो, मुमकिन सहायता होगी, हम पूरे उनके साथ खड़े हैं। और आज ही मैं शिवजी से भी बात कर रहा था, इनसे बात हुई कि खिलाड़ी अगर जैसे हरियाणा में बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे रेसलिंग के, वहाँ से भी कुछ खिलाड़ियों को अगर आमंत्रण देना तो हम उसकी भी कोशिश करेंगे, अगर लिस्ट में कुछ और खिलाड़ी ऐड कर सकें ताकि यहाँ पर देखने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा इवेंट उनको मिल सके।